चलिए बात करते हैं देवास की। देवास के अजय रोहरा ने अपने रणजी डेब्यू में नाबाद 267 रन बनाकर एक इतिहास रच दिया। ये 84 साल के रणजी इतिहास में डेब्यू मैच खेल रहे किसी खिलाड़ी का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। अजय ने यह उपलब्धि हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान हासिल की। रोहरा ने कहा कि इस सफलता से उनके घर पर उनके परिवारजनों और रिश्तेदारों ने जमकर जश्न मनाया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। पिता राजकुमार रोहरा बेटे की इस उपलब्धि पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब बेटे अजय को भारतीय टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं। वहीं अजय के कोच रहे अरुण रघुवंशी अजय की सफलता की जमकर तारीफ करते दिखे। बस मेरे बेटे का नाम अजय रोहरा है और उसने अपनी मेहनत से सब मुकाम हासिल किया है। क्या कितने रनों का रिकॉर्ड तोड़ा आज उन्होंने? 267 भी नॉट आउट रहा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है रणजी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। क्या लगता है किसका रिकॉर्ड उन्होंने ध्वस्त किया और किस तरह से जो है? ईश्वर का आशीर्वाद है। कब से मेहनत कर रहे थे वो क्रिकेट के क्षेत्र? पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब क्या मानते हैं आप, कहां पर देखना चाहते हैं? इंडिया टीम में देखना चाहते हैं। अजय रोहरा अभी एक्चुअल में 23 सुपर्नो सीके नायडू का कप्तान था और अभी आसाम के अगेंस्ट इसने 160 रन वहां पे किए थे। इसके बाद रणजी ट्रॉफी टीम में सिलेक्ट हुआ। ये तीन लड़के आए रणजी ट्रॉफी में, मनीष मिश्रा और पुनीत दाते और अंकित दाणे। अंकित दाणे का रिप्लेसमेंट है अजय रोहरा। उज्जैन महाकाल मंदिर प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुविधा, सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए